आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। फरीदाबाद सेक्टर 21 और डी ब्लॉक में, और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी के कुछ महिलाएं, कुछ और जो जेंट्स लोग भी बैठे हैं, उनका कुछ बातों को सुनने के लिए, और यहाँ के जो महिलाओं का लीडरशिप दे रहे हैं अंजू के बुलावे पे हमारे स्थानीय एमएलए सीमा शेखा जी आए हुए हैं, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो इससे हम कुछ महीने पहले भी मैम हम यहाँ आए, हमने ये पूरा कवर करके गए थे, और आज हमें फिर यहाँ पे आने का मौका मिला। हम पहला जो आपसे लगभग 5 महीना पहले कवर करके गए थे, जैसा जो पहले था अभी भी वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। क्या आज हम आपको यहाँ आने से जो आश्वासन आप दे रहे हैं, जो इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आगे जाके यहाँ का ये काम सुधार हो सकता है, हम आपसे कुछ सवालों को हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो अंजू जी के माध्यम से अपने 21B के हाउसिंग बोर्डिंग पर महिलाओं का निमंत्रण मिला, और मैं सोचती हूँ कि वैसे तो जनप्रतिनिधि लिंग भेद से ऊपर होता है, पर अगर महिला विधायक है तो मैं सोचती हूँ महिलाओं पे राइट प्रिविलेज हो जाता है कि वो एकदम आवाज़ दें और मैं भी पहुँच जाऊँ। तो मैं इनकी सारी बातें समझी हैं, मैंने पूरी बातें सुनी हैं, और मेरा पूरा प्रयास है कि हम छोटे लेवल पर भी अपनी कमेटीज बना लें, ताकि जो भी कर्मचारी अधिकारी आएंगे तो मेरे को उसकी अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट फीडबैक इन्हीं के थ्रू मिले, यहाँ आ रहा है और कर रहा है। मैं ऐसा इनको आश्वासन विश्वास दिला रही हूँ, जितनी जल्दी मुझे कमेटी बना करके देंगे उतनी जल्दी इनका मैं सारी समस्याओं का निराकरण कर दूँगी। थैंक यू। और आप यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो अंजू से जी में कुछ बातें पूछना चाहूँगा, जो आश्वासन जो आपको मिला है, क्या आप उनके आश्वासन से आप क्या संतुष्ट हैं? जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं सीमा दीदी का, जो हम महिलाओं के कहने पे आई, हमारी उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना, और हमें पूरी आशा है कि वो ये सारे कार्य हमारी मांगों को पूरा करेंगी, तो आने वाले समय हमारे लिए और भी अच्छा होगा। उसके लिए धन्यवाद सीमा दीदी का। मैं और भी कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा, विशेषकर यहाँ पे जो तकलीफ है, किस किस चीज़ की जो आप लोग डिमांड अपने जो स्थानीय विधायक से रखना चाहते हैं, उसका क्या क्या डिमांड है, क्या क्या चीज़ की यहाँ पे सुधार आने की जरूरत है? हमारी जो डिमांड है बेसिकली ये है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे फिनिशिंग जो टूट चुकी थी सरकार की थी, हम ये चाहते हैं कि वो फिनिशिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने एरिया को सेव कर सकें। कुछ पेवर की रिक्वायरमेंट है, इंटरनल हमारी जो रोड से जुड़ते हैं, जिससे कि हमारी गंदगी नहीं होती, हमें उससे बचाव मिलेगा। कुछ हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमने सोचा कि थोड़ा जिम की रिक्वायरमेंट रखी, ओपन जिम अगर वो हो जाता है तो। बस ये छोटी मोटी सी हमारी रिक्वायरमेंट है सीमा दीदी से, जो मुझे पूरी आशा है कि ये सारी चीज़ें वो कर सकें। छोटी मोटी बोलने से, जैसे आपने बोला, एक तो आपका जिम का रिक्वायरमेंट जी, तो हमें सुनने में आ रहा है, हमें पता चला है, बाकी और क्या रिक्वायरमेंट है आपका? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी कूड़ा का कवरिंग पूरा कवर किया हुआ था, लेकिन वो जो उनकी बाउंड्रीज जो था वो सारा का सारा ऑलरेडी टूट चुका है, ठीक है ना, उसकी फिनिशिंग हमें करानी है, सारी फिनिशिंग टूट चुकी है। वो फिनिशिंग बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कुछ सरकारी काम होते हैं तो MCF के थ्रू कभी कोई पाइपलाइन जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, तो वो टूट जाता था। आज की वो नौबत आ चुकी है कि वो पूरी तरह से टूट चुका है, तो हम यही चाहते हैं कि अगर उस चीज़ को दोबारा से ठीक कर दिया जाए हमारी, तो हम लोग जो बाहरी लोग हैं जो फुटपाथ के ऊपर 2-व्हीलर 4-व्हीलर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें रुकेंगे और अपने सेक्टर को सुंदर बना सकेंगे। इस जो हाउसिंग बोर्ड का जो लीडरशिप के रूप में आप इसको अगुवाई दे रहे हैं, कब से आप इसको अगुवाई? इसी तरीके का कोई गंदगी नहीं थी, तो उस टीम को भी ना होने का भी न्यू टीम गठन करने का कारण क्या था? कारण ये था कि हमारी पुरानी एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स अपने घर अपने आस फेल करके बाहर चले गए हैं, और फिर हम लोग जब नई एसोसिएशन बनी है तो उन्होंने ये हार ग्रहण किया कि हम इसको देखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमको सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि हम इस कॉलोनी को किस तरीके से रख पाए। उन लोगों का कम्युनिकेशन गैप जो है वो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अगर वो समय समय पर कम्युनिकेट करते तो आज मैं इस स्थिति में नहीं,
आप 5-6 महीने पहले भी आए थे, आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, आपको पूरा मैंने हमारी सीमा तीर्खा जी इस सेक्टर में जब से वो इलेक्टेड हुई है दूसरी बार आई है। पहले में जब एसोसिएशन में था तो आपने देखा होगा पार्क में छतरी लगी हुई थी, वो माननीय सीमा तीर्खा द्वारा ही उनका उद्घाटन किया गया था। मैं तो यही सोच के देखा था कि उन्होंने छतरी आशीर्वाद के तौर पर लगाई, बाद में वो आशीर्वाद अपना विड्रॉ कर लिया और हम खुले के धुले। अब क्या उम्मीद करते हैं? अब उम्मीद यही करते हैं कि हमारी माननीय विधायिका जी आई हैं और हमारे जो है ना लीगल पॉइंट्स यहाँ से ले गई हैं, जो भी हम फेस करते हैं हम सामाजिक तौर पर यहाँ जो सभी लोग रहते हैं, उन्होंने वर्बली अभी प्रोसेस में लिया है, ना कि अभी उन्होंने कोई कम्युनिकेशन अपने डिपार्टमेंट में कहीं किया होगा। अभी मेरे को ये आश्वासन जो सबके सामने देखी गई है कि हम हर डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेट करेंगे, ऑफिसर्स के यहाँ लेके आएंगे, उनका आपका बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर उनको दिखाएंगे, उसके बाद फर्दर एक्शन। जो अभी आपने उनको लिखित रूप में भी दिया है? अभी नहीं दिया, अभी नहीं, अभी वर्बल चल रहा है। अपनी प्रॉब्लम लेकिन वैसा कुछ नहीं दिया है, आएंगे उनके बंदे वो सारा देखेंगे। मेरे को तो ऐसा लगा था कि आपने जो है भेजा था कहां पे? वहां पे स्टेज से मैंने के साथ आप मदद की, हमने आपके बारे में वो कह रहे थे, आपके महिला शक्ति का आप कैसे जो है सहयोग करोगे? हमारी कमियाँ रही तो हम मेरे पास अपनी परेशानियाँ नहीं गए, कोई गया नहीं तो मेरे को आगे जो है काम मिला, आज अगर मुझे परेशानी बताई तो उसका समाधान मिला।